बिग बॉस सीजन 14 की पवित्र पुनिया के बारे में आइए जानते हैं पूरी डिटेल। कौन है पवित्र पुनिया, कहां से उन्होंने स्कूलिंग की है, कैसी लाइफ है, उनकी पूरी लाइफ की जर्नी शॉर्ट में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आपका स्वागत करती हूं बिग हेडलाइंस में। दोस्तों अगर हम बात करें पवित्र पुनिया के बारे में, तो पवित्र पुनिया का जन्म बागपत में हुआ था। यूपी के छोटे से शहर में जन्म लेने वाली पवित्र पुनिया ने अपनी आंखों में बड़े बड़े अरमान लेके मुंबई आई। ऐसे में पवित्र पुनिया की स्कूलिंग लाइफ जो है यूपी से हुई थी। वो अपने नानी के पास रहती थी और वहां पे उन्होंने स्कूलिंग की थी। और आज पवित्र पुनिया एक अच्छी एक्ट्रेस बन के उभरी है। बिग बॉस सीजन 14 में धमाल मचा रही है, स्टैंड ले रही है। ऐसे में पवित्र की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही। पहले तो उन्होंने जो है बहुत सारे टेलीविजन शोज में काम किया। जब पवित्रा मुंबई आई तब उनके पास कोई भी काम नहीं था। तब उनको मौका मिला स्पिरिट्स विला के सीजन 3 में अपना एक अलग ही रुतबा दिखाने का। ऐसे में उन्होंने स्पिरिट्स विला के सीजन 3 में एंट्री मारी और कंटेस्टेंट के तौर पे वो नजर आई। फिर उसके बाद MTV के एक ही शो कट 2 में वो नजर आई। वेल, इसके अलावा गीत हुई सबसे पराई में इन्होंने कैमियो रोल किया था जिसका नाम था दलजीत। इसके बाद जी ले ये पल, लव यू जिंदगी, होंगे जुदा ना हम, वेलकम, ऐसी बड़ी बड़ी फिल्मों में ये नजर आई। इसके अलावा इन्हें हमने देखा ये है मोहब्बतें में निधि का किरदार निभाते हुए, जो कि एक निगेटिव किरदार था। कवच में इन्होंने निगेटिव किरदार निभाया है। गंगा सीरियल में इन्होंने निगेटिव किरदार निभाया है। ससुराल सिमर का जैसे शो में इन्होंने निगेटिव किरदार निभाया। यहाँ तक कि एकता कपूर के मोस्ट पॉपुलर शो नागिन सीजन 3 में भी इन्होंने निगेटिव किरदार निभाया है। इसके अलावा पवित्र पुनिया को लास्ट टाइम हमने देखा था बालवीर में। जी हाँ, बालवीर में ये नेगेटिव लीड में नजर आई थी। इनका किरदार ऑडियंस को खूब रास आया था। अब ऐसे में बिग बॉस सीजन 14 में ये हमेशा चिल्लाते हुए कहती हैं, यानी कि पवित्र पुनिया हमेशा चिल्लाते हुए कहती है, यस आई एम प्लेइंग नेगेटिव कैरेक्टर इन द हाउस। वेल, ऐसे में पवित्र पुनिया की करियर की जर्नी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, लेकिन उनकी लव लाइफ उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही। पवित्र पुनिया का नाम जो है टेलीविजन के बहुत सारे सितारों के साथ जोड़ा गया, जिसमें पारस छाबड़ा का भी नाम शामिल है। जी हाँ, एक वक्त ऐसा था जब पारस छाबड़ा और पवित्र पुनिया एक दूसरे को डेट करते थे। सबसे पहले पवित्र पुनिया की एंगेजमेंट हुई थी सुमित महेश्वरी से, जो कि एक बिजनेसमैन थे, लेकिन कुछ वजह के चलते पवित्रा और सुमित का ये रिश्ता टूट गया। फिर उनके लाइफ में एंट्री मारी आबरा कडाबरा पारस छाबड़ा ने, लेकिन पारस छाबड़ा के साथ भी उनका ज्यादा रिलेशन चल नहीं पाया। लास्टली प्रतीक शेषपाल को डेट करने के बाद पवित्र पुनिया बिग बॉस सीजन 14 में धमाल मचा रही हैं। पवित्र पुनिया टेलीविजन को काफी अच्छे नेगेटिव किरदार दे चुकी हैं। ऐसे में बिग बॉस सीजन 14 में आपको पवित्रा कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।